Dear students, today welcome you all for the session, today's session on the topic of these uh, swing components. Uh, today we discuss about the J applet icons and labels and text fields related with this swing component okay so we start the session so uh, in a previous session uh, we just uh, discuss about वट वट आर द कंपोनेंट एंड वट आर द कंटेनर्स आई जस्ट लुक अ सिंपल ओवर व्यू अप अबाउट दिस कंपोनेंट और कंटेनर वट इज द कंपोनेंट इट इज द विजुअल कंट्रोल इंडिपेंडेंट विजुअल कंट्रोल ओके जस्ट लाइक द पुश बटन्स टेक्स फील्ड्स मीन्स कंपोनेंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं दोज

इज़ अवेलेबल इन द कंटेनर अब कंटेनर के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली दवी वेट कंटेनर्स एंड लाइट वेट कंटेनरस अब हीवी वेट कंटेनर्स में हम जे फ्रेम जे एपलेट जे विंडो और जे डायलॉग हम यूज़ करते हैं और दीज कंटेनर्स डू तो नॉट इनहेरिट जे कंपोनेंट ये टॉप लेवल कंटेनर होते हैं तो उसको जे कंपोनन्ट इन्हीट नहीं करता है ये आप एक बार इट इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेट कंटेनर्स एंड हैवी वेट कंटेनर्स अब लाइट वेट कंटेनर्स इज इंक्लूड्स द जे पैनल एंड दिस जे पैनल वी हैव टू यूज द जनरल परपज कंटेनर तो ऑलरेडी ये पार्ट वी हैव टू सीन इन द प्रीवियस सेशन So in uh, this session, we have to uh, study about what are the different components of this J Swing component. So Swing uh, component may available J Applet icon and label and text field. All these components available in the package Java X dot Swing. That is the important one. Already we have to study all these. Uh, कंपोनेंट इन द जावा डॉट तो यहाँ पे कौन सा है पैकेज उसका जावा एक्स डॉट इंस्टीड ऑफ दिसब्ल्यू टी हम कौन सा पैकेज यूज कर रहे जावा एक्स डॉट तो यहाँ पे टोटल एक क्लास है जो हम आज देखने वाले हैं हम आज क्या देखने वाले है? जे लेवल उसके बाद में जे टेक्स्ट फील्ड और आइकॉन अब ऑल दीज आर द कंपोनेंट इज द सुपर क्लास इनका सबका सुपर क्लास कौन सा है जे कंपोनेंट तो जे लेबल इज द सब क्लास ऑफ दिस जे कंपोनेंट जे टेक्स्ट फील्ड जे टेक्स्ट फील्ड है तो उसका जो सुपर क्लास कौन सा है यहाँ पे जे टेक्स्ट कंपोनेंट ये आप इधर देखिए डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड वाट इज द सुपर क्लास एंड सब क्लास ऑफ द ईच एंड द एवरी कंपोनेंट अब यहाँ पे हमारा आईकॉन है आइकॉन इज द आइकॉन और लेबल या बोथ आर द सेम बोथ इन दन कम तो उसका सुपर क्लास जे कंपोनेंट है और यहाँ पे जे टेक्सट फील्ड है उसका सुपर क्लास जे टेक्सट कंपोनेंट और जे टेक्स कंपोनेंट का सुपर क्लास जे कंपोनेंट है थोड़ा सा यहाँ पे आपको सब क्लास और सुपर क्लास और तो यहाँ पे देखिए जे तो कंपोनेंट तो दे तो का सुपर क्लास कंटेनर है कंटेनर का सुपर क्लास कंपोनेंट है कंपोनेंट का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी आपको ये हिरारसी मालूम है तो बेसिक हिरारची थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड uh, करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप प्रोग्रामिंग के लिए जो भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं सुपर क्लास में वो वो राइड होते हैं सब क्लास में और वो सब क्लास के मेथड्स अल्सो सब उसके जो सब क्लास है उसमें वो राइड होते है. तो ये हिरारची इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वन तो जैसे कि हम अभी आज के लेक्चर में लेबल जे एप्लेट और हम जो आज हमारा मेन टेक्स्ट फील्ड ये हम देखेंगे अब यहाँ पे जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट वन है हमने अभी तक जे फ्रेम देखा है बेसिकली यहाँ पे एक थोड़ा सा एक मैं हिरारची आपको थोड़ा सा दिखाता हूं एक जस्ट अ वेट ओके तो ये जो फिगर है यहां पे देखिए कि बेसिक कौन है बेसिक ऑब्जेक्ट कंपोनेंट कंटेनर और उसके बाद में इन वन साइड देर इज अ विंडो फ्रेम जे फ्रेम और इन अनदर साइड देर इज अ जे कंपोनेंट तो जे कंपोनेंट इज इंक्लूड्स द थ्री बेसिक कंपोनेंट टॉप लेवल हिरारची में तो टॉप लेवल हिरारची में कौन सा है जे एपलेट जे पैनल और जे फ्रेम दीज आर द बेसिक ऑफ आवर द कंपोनेंट तो यहां पे आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा विंडो उसका जो फ्रेम और जे फ्रेम सब क्लास है वैसे ही इधर जे कंपोनेंट में जे एप्लेट जे पैनल जे फ्रेम तो ये थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जे ऐपलेट के बारे में देखेंगे जे एपलेट अब जे एपलेट और जे फ्रेम आ, ये हमने जे फ्रेम थोड़ा सा देखा था प्रीवियस लेक्चर में तो आज हम जे एपलेट के बारे में देखेंगे और ये हमको एपलेट में ही प्रोग्रामिंग करना है तो जे एपलेट क्या है इट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ द प्रोग्राम दैट कॉमनली यूज फॉर द स्विंग प्रोग्रामिंग और दीज स्विंग बेस्ड एपलेट्स आर ू टी ए डब्ल्यू टी और स्विंग में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड एपलेट स्विंग इज द मोर पावरफुल देन द ए डब्ल्यू टी सो इन दिस स्विंग दे कवर्स द मोर फंक्शनैलिटी दैन द एपलेट अब यहां पर जे एपलेट और एपलेट में क्या फर्क होता है जे एपलेट इज डिराइव फ्रॉम द एपलेट और यहाँ पे जे एपलेट इज हैविंग द मोर फंक्शनैलिटी देन द दे एपलेट यहाँ पे इतना ही फर्क है बाकी जे एपलेट और एपलेट में कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है थोड़ा जे एपलेट में फंक्शनैलिटी ज्यादा है अब यहाँ पे जे एपलेट इज इंक्लूड्स इन द टॉप लेवल ऑफ द स्विंग कंटेनर ये आपको समझना होगा कि इट इज नज द टॉप लेवल कंटेनर तो यहाँ पे जे एपलेट इज अमिलर विद दिस एपलेट सो दिज आर दल्सो इंक्लूड द फोर बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ दैट द एपलेट वैसे कि आई एन आई टी स्टार्ट स्टॉप और डिस्ट्रॉय ये बेसिक एपलेट लाइफ साइकिल है ये सब मेथड उसको ओवर राइड करता है जे एपलेट में इट इज अम्पॉर्टेंट सो हमको आई एन आई टी मेथड यूज करना है स्टार्ट स्टॉप और डिस्ट्रॉय अब यहाँ पर पे थोड़ा पेंट के बारे में थोड़ा समय पेंट मेथड यहाँ पे स्विंग एपलेट विल नॉर्मली और डो नॉट ओवर राइड द पेंट मेथड तो यहाँ पे पेंट मेथड का थोड़ा सा अलग प्रोग्रामिंग है या उसका अलग सा कोडिंग करना पड़ता है तो वो हम हम आगे देखेंगे पेंटिंग इज अ कम्पलीट डिफरेंटली इन द स्विंग दैन इन द ए डब्ल्यू टी पेंटिंग जो भी पेंट करने वाला है पेंट मेथड इज थोड़ा सा उसका अलग कोडिंग करना पड़ेगा तो जनरली हम पेंट मेथड ओवर राइड नहीं करते हैं तो ओके okay, तो उसको हम आगे देखेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस जो है हम जैसे कि ए में क्या करते हैं कि कोई भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते और फिर उसको हमको कंटेनर में ऐड करना है तो हम क्या करते डायरेक्टली ऐड कंपोनेंट ने तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा कि जे एपलेट इज द रीच फंक्शनैलिटी दैन द एपलेट जे एप्लेट इज द रिच फंक्शनैलिटी मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा एक अलग कंटेनर हम लेते हैं जो भी हम कंपोनेंट ऐड करते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा कंटेनर अलग से लेते हैं और उसमें हम सब कंपोनेंट ऐड करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं कंटेंट पैन ओके तो यहाँ पे मैंने बोला है कि थ्री टाइप शब्द वहाँ पे मैं पहले बोला था कि जे रूट इसका जो मेन बेसिक सुपर क्लास है और जे रूट के अंडर में ये तीन पैन हैं कंटेंट पैन ग्लास पैन एंड जे लेर्ड पैन तो हम कंटेंट पैन ये बेसिक यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ अ सिंपल वन फॉर द विजुअलाइजेशन तो यहाँ पे जो हम एक वी ऐड द कंपोनेंट इनटू अ जे कंपोनेंट एट दाइम वो है एड मेथड ऑफ द एपलेट ये आप बेसिक ध्यान में रखिए और यहां पर कैसा है मेथड ऑफ दिस एपलेट टू अंटेंट पैन देन यू हेव टू यूज द मेथड द मेथड कौन सा है उसका कंटेंट पैन में अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट एड करना है ओके थ्रू द कंटेनर तो कंटेनर का आपको बेसिक मेथड यूज करना पड़ेगा उसका मेथड है कंटेनर गेट कंटेंट पैन अब आपको कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जैसे कि कंटेनर हम सी ओ बोलेंगे इक्वल टू गेट कंटेंट पैन इतना ही बेसिक डिफरेंस है और फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो डायरेक्टली ऐड करते थे विंडो विंडोज में तो इंस्टीड ऑफ दिस वी कैन बी ऐड योर द कंपोनेंट इन टू अ कंटेनर ओके एंड दैट इज इन द कंटेंट पैन तो ये बेसिक डिफरेंस है तो थोड़ा सा ये आपको समझना होगा कि एड मेथड ऑफ द कंटेनर कैन बी यूज टू एड द कंपोनेंट टू अ कंटेंट पैन तो उसके लिए हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं एड कंपोनेंट तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हमको देता हूँ कि थोड़ा सा आप समझ में आया एक एग्जाम्पल दिखिए आप यहाँ पर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देखा है कि इन दिस एग्जाम्पल सिंपल आई आई जस्ट क्रिएट अ वन कंपोनेंट यहाँ पे मेरा कंपोनेंट कौन सा है सिंपल जे टेक्स फील्ड अब मैंने जे टेक्स फील्ड को क्या किया है कि पहले मैंने इनिशलाइज किया है पर बिफोर आई इनिशलाइज दिस जे टेक्स फील्ड कंपोनेंट आई वॉन्ट टू बी क्रिएट द क्लास एंड दिस क्लास हैव टू बी एक्सटेंड फ्रॉम द जे एप्लेट अब ये मैंने क्लास कहाँ से डिस्प्ले किया है ये क्लास वे टू क्रिएट द क्लास मैंने यहाँ पे क्या किया है देखिए एक सिंपल मेरा जो क्लास है वो जे टेक्स फील्ड डेमो नाम का क्लास है और इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द जे एपलेट मैंने सिंपल जैसे कि मैंने पहले क्या किया था पहले स्टेप क्या करते थे हम ए डब्ल्यू टी में पब्लिक क्लास क्लास नेम एक्सटेंड एपलेट जे एपलेट अब यहां पर मैंने क्या किया है जावा एक्स डॉट स्विंग अब मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है कि दो इंपोर्ट फाइल ये है पहला इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी और दूसरा जावा एक्स डॉट स्विंग ये बेसिक डिफरेंस है यह आपको समझ में आया होगा कि

अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैं एज यूजल एपलेट जैसे इनिशलाइज करता हूँ वैसे ही मैं एपलेट यहाँ पे इनिशलाइज करता है पब्लिक वाइड आई एन आई टी अब यहाँ पे मैंने बोला है कि हम पहले कर पहले कैसे करते थे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उसको डायरेक्टली एड करते थे ए डब्ल्यू टी में तो यहाँ पे स्विंग में क्या करने, करने का है हमको आई वॉन्ट टू बी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंटेनर अब ऑब्जेक्ट मैंने कंटेनर का क्या किया कि इसको नाम दिया है कंटेंट पैन कंटेनर कंटेंट पैन मैं उसको तुम शॉर्टकट में कौन सा भी नाम दे सकते हो तो यहाँ पे मैंने एक कंटेंट पैन उसको ऑब्जेक्ट नाम दिया है और इक्वल टू गेट कंटेंट पैन मैंने आपको बोला था कि ये सिंटेक्स था लास्ट ईयर कंटेनर गेट कंटेंट पैन तो ये सिंटेक्स आपको एक बार इजीली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंटेनर गेट कंटेंट पैन और फिर मैंने लेआउट सेट किया है और मैंने उसको वैल्यू सेट किया है उसका जो इनिशलाइज किया है जे टी एफ इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड और उसको फाइनली आई वांट टू बी ऐड दिस कंपोनेंट इनटू अ कंटेंट पैन दिस आई वांट टू बी ऐड दिस कंपोनेंट इनटू अ कंटेंट पैन तो मैं ये प्रोग्रामिंग अगर आपको एक बार देखना है तो मैं एक लास्टली uh, जब मेरा लेबल और टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ओके okay, तो यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो आज का जो वीडियो है आज का जो कंपोनेंट वो पहला जो है आइकॉन्स एंड लेबल अब यह आइकॉन्स में क्या है आइकॉन्स। आइकॉन मींस इट इज अ सिंपल इमेज और uh, ये कंपोनेंट ई डब्ल्यू टी में नहीं था तो दिस आइकॉन इज द क्लास ऑफ दिस आई इमेज आइकॉन क्लास तो इमेज आइकॉन क्लास है तो उसमें हम जो भी इमेज हमारा होता है उसको हम पेंट करना है तो हम इमेज आइकॉन क्लास को यूज करते हैं और इमेज आइकॉन क्लास आई वन इक्वल टू न्यू इमेज आइकॉन क्लास अभी इमेज आइकॉन क्लास ये लेबल के साथ में वर्क होता है तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे उसको हम पेस्ट नहीं कर सकते इट इज़ यूज विद द लेबल तो उसका जो मेथड्स है गेट आईकॉन हाइट और गेट आईकॉन विर्थ ये दो ही मेथड हम मैक्सिमम यूज करते हैं और थर्ड जो है पेंट आइकॉन ये मेथड्स हम मैगज पेंट आइकॉन मीन्स पेंट द आइकॉन एट द पोजिशन एक्स एंड वाई ऑन द ग्राफिक्स कंटेंट जी तो ये बेसिक मेथड डिस्क्रिप्शन जो गेट आइकॉन हाइट एंड गेट आइकॉन कॉन एट द रन टाइम इफ यू वांट इन योर द प्रोग्रामिंग हम उसको यूज करते ओके okay, तो बेसिक इसमें कुछ बेसिक जो है सिंपल यही है कि आपको अगर आइकॉन बनाने का है तो उसके रिलेटेड आपको यूआरएल सेट करना पड़ेगा जो भी ड्राइव पे तुम्हारा फाइल अवेलेबल है वो उसको देना पड़ेगा या डायरेक्टली तुम जिस फाइल में या जिस फोल्डर में काम कर रहे वहाँ पे अगर आपका इमेज है तो सिंपल यू हैव टू गिव द फाइल नेम ओके तो यही आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ने करने के लिए क्लास नेम इमेज आईकॉन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू इमेज आइकॉन फाइल नेम ठीक है इतना ही है उसमें कुछ इट इज अ वेरी सिंपल वन तो हम ये आगे देखेंगे अब इसके बाद में हम लेबल देखेंगे लेबल अब ये लेबल ऑलरेडी हमने देखा है कि ए डब्ल्यू टी में लेबल अगर करना है तो यहाँ पे तुम्हारा जो क्लास नेम के कंस्ट्रक्टर है लेबल इज द पैसिव कंपोनेंट पैसिव पैसे मीन्स ओनली यूजर यू जस्ट वांट टू बी सी दिस इंफॉर्मेशन इज डू नॉट ऑपरेट ऑन दैट द कंपोनेंट वो उसको उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। अब ये जे लेबल और आइकॉन और जे लेबल स्ट्रिंग जे लेबल स्ट्रिंग विद द आइकॉन विद अलाइनमेंट ओके तो हमने ए डब्ल्यू टी में क्या देखा था कि सिंपल लेबल स्ट्रिंग लेबल अलाइनमेंट उतना ही देखा था तो इसमें नया क्या हो गया नया क्या आ गया यहाँ पे नया एक कंस्ट्रक्टर मिल गया हमको लेबल स्ट्रिंग आइकॉन आई और इसका जो अलाइनमेंट है लेफ्ट डॉट राइट लेफ्ट डॉट सेंटर और लेफ्ट डॉट लेफ्ट राइट और सेंटर उसका जो बेसिक और उसके बाद में लीडिंग एंड ट्रेनिंग तो हम लेफ्ट राइट सेंटर ये जो अलाइनमेंट यूज करते हैं लेबल डॉट लेफ्ट लेबल डॉट राइट लेबल डॉट सेंटर सेम यहाँ पे भी हम यूज करने वाले अब इसके अंडर में कैसा आइकॉन और लेबल ये जो मेथड्स है इट इज द Uh, we have to जस्ट रीड एंड रिटर्न the information अबाउट that लेबल और icon अगर हमको लेबल और आईकॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होना है तो हम क्या करने वाले हैं आइकॉन गेट आइकॉन उसके आईकॉन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा गेट टेक्स्ट अगर हम लेबल यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका टेक्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा सेट आइकॉन अगर आपको रन टाइम आइकॉन सेट करना है तो सेट आइकॉन यूज करिए और सेट टेक्स्ट आपको रन टाइम लेवल का जो इन्फॉर्मेशन सेट करना है तो सेट कीजिए अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम वैसे ही जो लास्ट टाइम लास्ट एग्जाम्पल में किया था यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले उसके बाद में इमेज का आइकॉन बनाना है और लेबल का ऑब्जेक्ट लेबल का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है तो जे लेबल जे वन इक्वल टू न्यू जे लेबल उसका जो स्ट्रिंग सेट किया है और उसके बाद में ये देखिए हम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये जो एग्जाम्पल में है जो थर्ड लेवल का जो थर्ड का जो कंस्ट्रक्टर है थर्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा है जे लेबल स्ट्रिंग यस तो यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सा है मेरा आई सिक यहाँ पे मेरा आई कौन सा है आई वन आई वन मैंने पहले डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मेरा अलाइनमेंट कौन सा है जे लेबल डॉट सेंटर ठीक है तो यही बेसिक है कि आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करके पहले आपका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ठीक है तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसका नाम है वन। अगर मैं वन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जे लेवल का तो आई वॉन्ट टू बी एड दिस जेवन इन टू अ कंटेंट पैन तो कंटेंट पैन कंटेनर कंटेनर में ऐड करना है तो उसका कंटेनर का ऑब्जेक्ट कौन सा है कंटेंट पैन तो कंटेंट पैन डॉट एड जे वन इतना ही बेसिक सिंपल है कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है और उसके बाद में मेरा जो थर्ड कंस्ट्रक्टर मैं आज बोलने वाला हूँ उसको आपका टेक्स फील्ड ठीक है यहाँ पे टेक्स फील्ड इज द कंपोनेंट इज इनकेप्सुलेट फ्रॉम द जेड टेक्स कंपोनेंट क्लास मैंने ऑलरेडी बोला और जे टेक्स कंपोनेंट इज एस इज द एक्सटेंड्स जे कंपोनेंट ये आपको बेसिक हिरारची मालूम होनी चाहिए कि टेक्स फील्ड जे टेक्स कंपोनेंट जे टेक्स कंपोनेंट और जे कंपोनेंट तो ये एक बार आपको हिरारची समझ में आई होंगी तो इसका जो टेक्स फील्ड जो कंस्ट्रक्टर है सिंपल है जैसे कि हमने ए डब्ल्यू टी में देखा था कि जे टेक्स फील्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर J text field with the number of columns, J text field with the string or with the number of columns, or J text field with the simple string. इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है एज यूजल ए डब्ल्यू टी में जैसे हम यूज करने वाले हैं सिंपल वही है बाकी इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स फील्ड वी हैव टू यूज द जे वर्ड जे टेक्स फील्ड क्लास बाकी ए डब्ल्यू टी और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है अब यहाँ पे कैसे है कि हम सिंपल फोर कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने दिया है कि कंटेनर पहले बनाया है उसके बाद में लेआउट सेट किया है उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वही ऑब्जेक्ट जो कर क्रिएट करने के बाद कंटेन पैन में ऐड किया है ठीक तो है तो ये फॉलोइंग स्टेप्स है जे फील्ड का तो मेरे ख्याल से कि मैं सिंपल एक पहले आपको जे फील्ड एड करके दिखाता हूं और फिर मैं लेबल और आइकॉन का प्रोग्रामिंग आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे मैं एक सिंपल ठीक है अब यहाँ पे मेरा फाइल है ये देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे एक सिंपल फाइल है स्विंग लेबल डेमो उसमें पहले पैकेज इंपोर्ट किया है ए डब्ल्यू टी और स्विंग फाइल का नाम क्या दिया है देखिए स्विंग लेबल डेमो वही एप्लेट टैग दिया है और स्विंग लेबल डेमो ये जो फाइल का क्लास है इट इज द एक्सटेंड बाय यूजिंग द जे एप्लेट इतना तो बेसिक हमने जो एप्लेट में देखा था वही है कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है उसके बाद में एज यूजल आई एन आई टी मेथड और फिर उसको ब्रैकेट क्लोज हमने ये किया है अब मैं यहाँ पे क्या है तीन ही स्टेप्स है ज़्यादा इसमें डिफरेंस कुछ नहीं हम जैसे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करते थे अब यहाँ पे मैं समझो uh, ये प्रोग्रामिंग आपका जो देखा था मैंने ये तो यहाँ पे ये जो कोड है अब सिंपल यहाँ पे ये यह जो कोडिंग है आ, मैं टाइप करता हूँ तो फिर आपको इजीली उसको अंडरस्टैंड होना हो तो जाएगा Uh, मैं यहाँ पे जो कोडिंग मैंने किया था मैं वो कोडिंग कॉपी करता हूँ तो वन बाय वन ऑल द स्टेप्स मैं इसमें आपको दिखाता हूँ अब पहले मेरे मैं, मैंने क्या किया यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड और मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है जे आर एफ ओके मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है जे आर Yeah, मैंने ये क्रिएट किया तो ये पहले स्टेप क्या है मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन किया है टेक्स्ट फील्ड अब दूसरी स्टेप क्या है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ये मैंने कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कंटेनर का ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे देखिए कंटेनर कंटेंट पैन इक्वल टू गेट कंटेंट ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बाद में मैंने उसको लेआउट सेट किया है, ओके, okay, तो जैसे मैंने लेआउट सेट करता हूँ तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बनाने का है मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट uh, किया है यहाँ पे जे ये मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करता हूँ इसको हूं। तो ये थोड़ा सा तो मैंने T1 वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1 वन ऑब्जेक्ट को मैंने वैल्यू सेट किया है फिफ्टीन कॉलम और फिर बाद में मैंने कंटेंट पैन की जगह पे मैं थोड़ा सा इजी नाम देता हूँ ओके okay, तो ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा ओके यहाँ पे क्या किया है मैंने कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम क्या दिया है सीओ और हमारा मेथड क्या है कंटेनर सीओ इक्वल टू गेट कंटेंट पहले मैंने कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया है फिर उसके बाद में उसको लेआउट सेट किया है फ्लो लेआउट उसके बाद में मैंने एक स्पीड को वैल्यू दिया है ये एज यूजल और फिर मैंने मैं क्या करता हूँ मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी ऑब्जेक्ट है उसको म, मुझको क्या करना है कि कंटेनर में ऐड करना है मेरा कंपोनेंट कौन सा है T1 और T1 को मेरे को कहाँ ऐड करना है ओके सिंपल आई वांट टू ऐड दिस कंपोनेंट इनटू अ कंटेनर बाय यूजिंग दिस ऐड मेथड ये मैं ये आप कोडिंग देखिए ज्यादा प्रोग्रामिंग कुछ नहीं ठीक है पहले ऑब्जेक्ट बनाया है फिर उसके बाद में में इनिशियलाइजेशन कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया है और कंटेन पैन यूज किया है कंटेनर सीओ इक्वल टू गेट कंटेन पैन और उसके बाद में मैंने वैल्यू सेट दे, दिया है और फिर मैंने वो टेक्स्ट फील्ड को कंटेंट पैन में ऐड किया बाय यूजिंग द मेथड सी ओ डॉट एड कंटेंट पैन अब यहाँ पे मेरा अपडेट कौन सा है देखिए पी वन ओके तो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो थोड़ा सा ये पहला प्रोग्राम आपको समझ में आया तो आप बाकी के प्रोग्राम भी कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए कि मेरे प्रोग्रामिंग में कुछ यहाँ प्रोग्रामिंग में मैंने सिंपल प्रोग्राम है सिंपल तो ये प्रोग्राम कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया कंटे फिर उसमें टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है और कंटे फिर टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट मैंने कंटेनर में ऐड किया है बाय यूजिंग दिस ऐड मेथड इतना ही है प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम मैं रन करके दिखाता हूँ आपको ओके okay, तो ये फाइल रन करना है तो उसका फाइल का नाम क्या है स्विंग लेबल डेमो डॉट जावा तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे जावा सी स्विंग लेबल डेमो डॉट जावा ये फाइल रन करके देखता हूँ अभी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसमें तो कुछ आउटपुट या कुछ जो भी अभी एरर तो कुछ भी नहीं आया तो मैं ये फाइल रन करके दिखाता हूँ और फाइल रन करने के लिए मेरे पास जो टूल है वो कौन सा है एप्लेट व्यूअर एज यूजल जैसे कि हम एप्लेट को रन करते हैं सेम एप्लेट व्यूअर फाइल नेम डॉट जावा तो यहाँ पर फाइल नेम कौन सा है स्विंग लेवल डेमो तो ये एक बार देखिए फाइल को मैं रन करता हूँ